नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। दोस्तों, एक खास बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। बहुत से लोगों की शिकायत आई है, वो बात मैं अपने माध्यम से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। दरअसल ये बातें, ये घटनाएं काफ़ी लोगों के साथ गुजर चुकी है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई घटना आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए ये बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। बहुत शॉर्टकट में बोलूँगा, आजकल मैसेंजर पर कई ऐसी फेक आईडीज़ बनाकर लोग, लड़की की आईडी होती है वो, उस आईडी से अचानक से कॉल आता है, आप कॉल उठाते हैं, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उस वहाँ से आपको कॉल आता है और अचानक से सामने जो लड़की होती है वो खुद के कपड़े उतारने लगती है, न्यूड हो जाती है, और जब वो न्यूड होती है तो सामने का बंदा समझ नहीं पाता और उसको देखने लगता है, और उसी दौरान उसको पता भी नहीं चलता और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। अब सामने जो भी बंदा हो, अब चाहे वो प्रोफेसर हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो या कोई बड़ा पूंजीपति हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगले ही पल उसे कॉल आता है, किसका, ब्लैकमेलर का कॉल आता है कि ये स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे आया है, ज़रा देख लो, एक कुछ फोटोज़ आए हैं आपके स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे, उसे आप देख लीजिए और फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। आप जब व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं, तो आपको दिखता है कि कोई आपके सामने न्यूड है और आप उसको देख रहे हैं, आप घबरा जाते हैं, एकदम हिल जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है पैसों के लिए। बहुत से लोग डर कर पैसे भी दे देते हैं। अभी भी मध्य प्रदेश की एक घटना हुई है, एक प्रोफेसर के साथ ये घटना हुई है, वो बेचारे बदनामी के डर से कि मुझसे मैं क्या करूं, को समझ नहीं पा रहे थे वो, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, उस बंदे से सिर्फ, उनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, कहीं ना कहीं उनसे एक छोटी सी भूल हो गई कि उस वीडियो में उन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया, और बाद में उनको पहले 1.5 लाख के लिए, फिर 2.5 लाख के लिए, फिर 5 लाख के लिए ब्लैकमेल किया गया। 2 बार उन्होंने पैसे दे दिए, तीसरी बार सुसाइड करने जा रहे थे, और फाइनली हमारी जो पुलिस है, हमारा जो प्रशासन है, उसने सपोर्ट किया, उन्होंने हिम्मत करके अपनी बात अपने बच्चों के सामने रखी, हाँ, घर वालों ने भी सपोर्ट किया। तो एक बात याद रखिए, ऐसी कोई घटना अगर आप लोगों के साथ होती है तो अपने परिवार से ना छुपाएं, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके दुख तकलीफ में अगर कोई काम आ सकता है तो सिर्फ आपका परिवार, आपके आसपास के लोग, आपका समाज, वो भी कौन, जो अच्छे लोग हैं। तो आगे से कोई भी ऐसा अगर कॉल आता है तो बिल्कुल डरिए मत, तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और इसकी खबर दीजिए। देखिए, अभी भी हाल ही में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी घटनाएं मेरे सामने भी आई हैं, और उन्होंने मुझसे भी कहा कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने बहुत सोचा और सबकी बातें मैंने सुनी, सबने कहा भैया आप अपने अपने सोशल साइट से, आप अपने पेज से ये बात लोगों के सामने रख दीजिए ताकि कोई और ना फंसे। और ख़ास करके उन ब्लैकमेलर्स को मैं बताना चाहूँगा, अपनी बेवकूफ़ी बंद कर दो, वरना जिस दिन जनता के जूते पड़ने चालू होंगे कहीं के नहीं रहोगे। ये फालतूगिरी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई कितना भी बड़ा मुजरिम हो एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। बस इतने कहूँगा मैं दोस्तों, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे ब्लैकमेलर से बच के रहिए। आपके मैसेंजर से आपका व्हाट्सएप नंबर भी मांगा जा सकता है, लड़की की आईडी से, बहुत लड़की की आईडी बनाकर आपसे जुड़ा जा सकता है, और फाइनली कोई कॉल आएगा जिसमें जैसे ही आप वीडियो कॉल उठाएंगे सामने की लड़की अपने कपड़े उतारना चालू कर देगी। ये दरअसल एक वीडियो होता है जो वो सामने ऑन कर देते हैं, बहुत इसमें बहुत सारा राज है, वो तो मैं भी नहीं जानता। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पर जांच भी बैठाई जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग शिकार हो रहे हैं और अपनी इज्जत के डर से वो सबके सामने ये बात नहीं रख पा रहे। बोल से अबर रामचंद्र की जय। देखिए, पटाखा भी बज गया, हैप्पी दीपावली। ये दीपावली आप सबके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री राम।